झुरझुरी जो, इसके पीछे कुछ परिंदे जानवर कुछ इस वक्त तो नहीं, हमें से किसी को नहीं आई, हमें से खुशी नहीं और आपको ऐसी आई है कि जिसम के रोंगटे खड़े हो गए बहुत करीब से आई है, खड़े भी तो बिल्कुल अच्छा आप खड़े थे, अच्छा आप खड़े भी उस तरफ थे। बात ये है, हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो पूरी जगह है जी, इधर ही मसले हैं, मसले हैं ठीक है। और आप कह रहे हैं पहले जगह एक थी, एक होगी, पीपल का दरख्त होगा, नीम का दरख्त होगा, और इनको काटने के बाद हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये तमाम मसाइल आपके सामने। और जो पड़ोसी हैं, गुल मोहम्मद नाम है उनका, जी जी, गुल मोहम्मद भाई रात को निकले हैं घर से बाहर, छत पर गए हैं ऊपर या सहन में आए जी, उनके थप्पड़ पड़ा है और ऐसा थप्पड़ पड़ा है कि जो नीचे का जबड़ा जॉ है आपका ये टेढ़ा हो गया, ये इधर आ गया। उनको बात समझ आ गई, वो डॉक्टर के पास नहीं गए, वो आमिल साहब के पास गए जिन्होंने पढ़ाई की, अमल किया, इलाज किया उनका, और फिर जाके वो ठीक हुआ है। अभी मैंने कोशिश की है उनसे बात हो जाए, तो सिर्फ बेकार होगा इसको नहीं। अच्छा, कार इसको ही है नहीं बड़ा कोई कोई ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਜਨ ਰਫੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ रात के, कोई भी नहीं था इधर ना, मतलब वो सो रहा था इधर, मैं कमरे में सो रहा था ना, तो उसने तकरीबन 12:30 बजे मुझे आवाज़ दी यहाँ से, उठा दरवाज़ा जो है ना वैसे हिलाया, मैं उठ गया, नींद में था लेकिन उसी है, मैं क्या तो कहते हैं आपने कोई आवाज़ सुनी है, तो आवाज़ से बंदा यही कहेगा पता नहीं कोई बाहर बंदा आया है, कोई ऐसा है ये वो, मेरे जहन में कोई ऐसा कुछ नहीं था। मैं फटाफट पहले बाहर गया गेट की तरफ कि कोई गेट पर है तो नहीं जो इसने मुझे बोला है, तो कोई नहीं था। फिर मुझे इधर आके तो कहते हैं आपने आवाज़ें नहीं आपको आ रही, मैं क्या कौन सी आवाज़ें, तो कहते हैं घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही हैं और तेज़ आ रही हैं। मैं क्या भाई मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हें कहाँ से आ रही हैं? फिर वो लगातार बोलता रहे कि मुझे आवाज़ें आ रही, तकरीबन 2:30 बजे तक वो जागता ही रहे, आवाज़ें सुनता रहे, मैं भी उसके साथ इधर घूम रहा था इधर। आप सही बहुत करीब थे, मैंने ही सुनी है, हम आप इतने करीब थे कि आप में से किसी को सुननी सुनना चाहिए यार। अब जब आप एक चीज़ सुनी हुई होती है आपने कि एक को आवाज़ आ रही है बाकियों को नहीं आ रही, एक जब आपकी टीम में से किसी के साथ ऐसा होता है तो आप देख लें क्या हाल होता है। जब आप लोगों के चेहरे पे मैंने देखे ना, जब पहली आवाज़ आई दूसरी दफ़ा जो आई तो मैं फ़ौरन मेरे से एक सेकंड कदम नहीं रुके। ये पूरा ना जल्दी बजे एक था, ये दीवार हमने की थी। अच्छा, इससे पहले ये जो पीछे घर वर ये कमरे वमरे नजर आ रहे हैं ना, ये भी खाली जगह थी। देखिए ये बात आपने पहले तो नहीं बताई थी ना हमें। नहीं, ये इन्होंने पहले ही कह दी कि एक जगह एक ही होगी जी, क्योंकि ऐसा होता है जी। आसपास भी जब हो रहे हो ना मामला, बात ये आप भले दीवारें लगा दें जी, लेकिन उस मखलूक के लिए तो वो जगह जो उसकी थी वो है ना, वो है। आप मतलब यार कर क्या रहे हो कि आप पुराने नीम पीपल के दरख्त को काट रहे हो, नीम के दरख्त को काट रहे हो, इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। हालांकि कोई किसी ठेकेदार या किसी किराएदार ने नहीं कहा होगा कि ये कटवाएं आप, तो फिर खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। ठीक, हम देखें इसको जी जी, चलें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हाँ चले जाए, मैं रोशनी दे रहा हूँ आपको। वो कैमरे की लाइट आँख में पड़ती है ना, नज़र नहीं आता कुछ। ये जी ऑनर हैं, ये चले गए हैं, ये खुद ये देखें जी, ये जा रहे हैं बाहर। आपने तो वो नहीं देखा जो ये कमरे से बाहर निकले हैं कैसे? नहीं नहीं देखा मैंने, देखा रिकॉर्ड किया। अरे भाईजान ये बता ही रहे थे हमें, जहाँ इनके रोंगटे देखे ना उन्होंने, ऐसा लग रहा था इनके साथ पहले भी हुआ है ये उनके साथ, और वो सीधा बाहर आ गए। मैंने रोका है उनको, वो तो जा रहे थे यहाँ से कि कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो गई है। बात ही जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, इनके रोंगटे ऐसे नहीं खड़े होते कितनी जगहों पे। तो ऐसी आवाज़ एक इधर आई, इधर सबसे फर्स्ट पर इतनी पीछे, फिर वो इतने करीब आ गए, वो बाकायदा गुर्राई है। वैसा लगा मुझे कोई हमला करने लगा, मैं फ़ोन मेरे कदम आगे बढ़ गए,
मैंने तुम लोग की तरफ चेहरा देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बैक साइड पे वॉशरूम है इनके, स्मेल आ रही थी बदबू वॉशरूम से, लेकिन मैंने देखा वॉशरूम में दो तीन, अच्छा मैंने दो तीन दफ़ा मेरे ऐसा साथ हुआ, मैं मुसलसल कैमरा कर रहा था कि मुझे लग रहा कोई अंधेरे में है, लेकिन मैं कहा शायद हो सकता है वहम हो, लेकिन जब वो आवाज़ इतनी क्लियर आई तो मेरे तो गालों के रोंगटे खड़े होते मुझे महसूस हो रहे यार। अच्छा भाइयों, दूसरा औजार ही औजार है हर जगह, लोहे के एहतियात करना बहुत, ठीक है, बड़ी डेंजर जगह है आसपास, चीज़ें बड़ी डेंजर है ना। दुआएं पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, साथ रहे यार। अल्लाह, ये देखो बाबा, यहाँ पर ही तो मसला हुआ था इनके साथ, ये मुझे बता दे, पूरा ब्रेकर यार, इम्पॉसिबल बात थी, और 18 लोगों के सामने ये वाकया हुआ था, कोई मान नहीं सकता ऐसा। ये तो हम भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये कोई बंदा करेगा तो होगा, मतलब ऐसा समझ लें कि खड़ी गाड़ी जो है ना उसमें खुद ही गियर लग गया और वो चलना शुरू हो गया, वो वाली बात। लेकिन ऐसा भी हुआ है, हमारे पास ये वीडियोस आई हैं बिल्कुल आई हैं, लेकिन चलाने वाले उसको करने वाले नज़र नहीं आते, यहाँ पर रोशनी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये लोग, जनरेटर चल रहा था उस वक्त जब इसको बंद कर दिया गया, किसने बंद किया, कैसे बंद किया, 18 लोगों के पास कोई जवाब नहीं इस बात, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कि हम चारों के अलावा भी कोई मौजूद है इस कमरे में। बिल्कुल समझ भाई, किसे देख रहे हुआ है ना, यकीन करें हमारे पास अपनी फील का आपके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय रोंगटों के और हमारे तासुरात के, लेकिन मैं आपके कह पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हम चारों के अलावा यहाँ जो भी मौजूद हैं बगैर नुकसान पहुँचाए ख़ुद को ज़ाहिर कर सकते हैं? ये पड़ोस में स्कूल है जी, और कहते हैं उधर भी बहुत शिकायत हैं। स्कूल तो बच्चे भी रात में बंद होता है ना, हाँ प्रॉब्लम तो हर जगह ही होती है। वहाँ देखा था ना उनको उस दीवार के ऊपर, मैं बार बार पीछे देखा। अच्छा हुआ क्या है यहाँ पर, चीज़ जगह नोट कर लो सर, ये जगह है जहाँ पर वो बेचारों के साथ पूरी रात उनकी जो ख़राब हुई, ये जगह नवीद भाई की। अच्छा आप अगर गौर करें, इस जगह के करीब ही ये कमरा है, इस जगह के करीब ही ये कोना है, भाई की। अच्छा आप अगर गौर करें, इस जगह के करीब ही ये कमरा है, इस जगह के करीब ही ये कोना है, इधर से छिपकली नजर तो नहीं आ रही कोई? नहीं सर, ऐसा नहीं, शीशे पे कोई मार रहा, टिक हल्की सी गिलास। अच्छा उधर से अभी 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 शिराज भी अभी इधर से आई है, बाकी इधर से आई। अच्छा अंदर गया हूँ मैं, मैंने पता नहीं कोई बात की, मैंने नॉक सुना है 3 बार टक टक टक, और वो आवाज़ आप लोगों को नहीं आई? ये कह रहे हैं बाहर कोई कूदा है और मुझे नहीं आई। वो रानी की आवाज़ जो मैंने सुनी 2 दफ़ा, वो आपने नहीं सुनी? ओए होए, शीशे पे आवाज़ जो मैंने सुनी यार, अभी जितनी भी आवाज़ें आई हैं ना, जो वो रानी अगर आप लोग सुन रहे थे ना, मैं नहीं समझता कि आप दोनों तीनों यहाँ पे हो। सही ये दरख्त के पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ आपको, नज़र नहीं आया शायद, ये लाल रंग का धागा आ रहा है, जूम कर लिया जी भाई? हाँ भी ये लाल धागा गिरा हुआ है भाई, आँखों से दिख रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कामरान के पास आ गया, आँखों से दिख रहा है लाल धागा है। ऐसी फोर्स होगी जो दीवारों में पत्थर घुसा देती है जी। चिमगादड़े 3 दफा में कैमरा बनवा,
यार यही बात वो भी कह रहा है। मेरे कैमरा पर हुआ, मैं हैरान हुआ, मैंने शायद मैं सिग्नल देखा लाइट चल रही, लेकिन तीन दफा ये रिकॉर्डिंग चट गई कि मैंने ऑन किया फिर ऑन किया। सिर्फ ये कारखाना नहीं जी, इसके साथ वाला मकान है इस तरफ, इधर आपको मैंने बताया जबड़े वाला मसला हुआ जिसका इलाज भी हुआ और कंफर्म किया मौलवी साहब ने, आमिल साहब ने। देखो देखो ये देखो लाइट जल रही है, ये देखो लाइट जी कैमरा कनेक्टेड है और ये से रिकॉर्डिंग से हट गया, ये देखो कैमरा कनेक्टेड है। क्या चौथी दफा हुआ ये करे आ गया आ गया। मैं कह रहा था कि सिर्फ ये कारखाना ये देख लें, ये देख लें, ये इसकी लाइट ऑन है, ये देखें ये ऑन हो रही है, ये थर्मल है जी, और ये दोबारा कट हो जाता है, ऐप इसकी बंद हो जाती है। उसके साथ उधर स्कूल है जो दिन में ही ऑन एक्टिव रहता है, शाम में बंद, उधर भी कई मसाइल सुनने में आ रहे हैं। आवाज़ आई इसकी, मैंने खुद सुना बंद, शटर बंद हुआ। दिन में ही ऑन एक्टिव रहता है, शाम में बंद, उधर भी कई मसाइल सुनने में आ रहे हैं। आवाज़ आई इसकी, मैंने खुद सुना बंद, शटर बंद हुआ। यार हमारे चारों के अलावा कोई वो चबाने की आवाज़ आ रही है किसी को? मैंने सुनी फिर आई आवाज चबाने के बाद आपने सुनी है? मैंने सुनी फिर आई आवाज। क्यों जा रहा है? अभी देखो ये देखो लाइट ऑन है, कैमरा बंद हो, ऑफ, ये ऑफ किया, हां ये ऑन किया, किया जगह चेंज करें, यहां पे कुछ मसला है यार, इधर है मसला, प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसी चीज़ों को ना, ऐसी जगहों को ना एक नाम दिया जाता है, बड़ी आम जबान में ना एक जुमला कहा जाता है ऐसी जगहों के बारे में, यार ये कोना भारी है, ये जगह भारी है। भारी से मुराद क्या, उसका वेट थोड़ी चेक किया होता है आपने, भारी से मुराद यही होता है कि वहाँ जाके वो होता है जो नॉर्मली नहीं होता। आज तक कभी इन्होंने कंप्लेन नहीं की कि यार मेरा थर्मल बंद हो रहा है, आज तक कभी लिखा हुआ हमें पहले आया है कि ऑटोमेटिकली ऑफ, लेकिन कभी इस तरह से ऑफ हो जाना फिर ऑन हो जाना अब क्यों नहीं हो रहे? वहाँ से हट गए, वहाँ से हटे हैं हम। देखें जी ये कोना था जहाँ ये सब हो रहा था। इस जगह पर कामरान भाई सही कह रहे थे, जगह पूरी ही है जी। जी भाई अब ये पीपल यहाँ तो नहीं था ना, यहाँ कैसे उगा है? ये तो शुक्र है कि खुद उग गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता यहाँ पर। हो एक दफा दुआ और पढ़ो, पढ़े पढ़े। यहाँ से इन्होंने कोई प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया। बिस्मिल्लाह मैंने सुनी, हाँ यहाँ से इन्होंने कोई प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया। बिस्मिल्लाह मैंने सुनी, हाँ पूरी दीवार में सवार, हाँ चुर चुर नहीं, इसे बड़ी अजीब सी आवाज़ है कर करके ना ये भाई, तो आवाज़ हम चारों ने साथ सुना, हाँ मैंने भी सुनी। चले तो इस कमरे में से जी, ये इनका बीच का कमरा है जहाँ पर ऐसा कुछ मामला नहीं है, ना कोई शिकायत, ना
प्रॉब्लम किसी किस्म का भी। इसकी जो दोनों साइडों के कमरे हैं उधर जो जो वो आपके सामने है, अब देखें ना यहाँ पर आपको कुछ ऐसी फील, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा, ना कैमरे बंद हो रहे हैं ना कुछ हो रहा। यहाँ पे रखते ही मेरे पैर सूख गए, उसे जूते उतारे हैं मेरे ख्याल से। साफ और सीधी बात है यार, जो है जहाँ है जैसा है जितना है वो सब सामने है, जो महसूसात है जो फील है वो सामने है। समझदार को इशारा काफी। ऐसा है ना कि चलो हम आके हम फील कर रहे हैं, हाँ सही है, ये तो ऑलरेडी जो लोग यहाँ काम करो तो उनको तो आदत हो गई इस चीज की, शायद आदत सर तो उन्होंने करते हैं, बोलते हाँ ठीक है यार वो भी अपना काम कर रहे हैं हमें भी अपना काम कर रहे हैं, वो पीछे हट गए हैं, वो एहतियात करना शुरू हो गए हैं, जो ऑनर हैं जो ठेकेदार हैं जो लेबर है अब वो बल्ब नहीं लगा रहे, अब वो रात को सो नहीं रहे, अब वो फारिग यहाँ बैठ नहीं रहे, अब उनको एक डर खौफ है एक चीज का। फिर समझदार को इशारा काफी, और जिसने नहीं मानना उसके सामने खुद मखलूक आ भी जाए ना जब जब देखा है ना, मैंने चमगादड़ को यूं यूं आते हुए देखा है, बस इधर ही है उसका। ये लो ये गई, शायद पे देखिएगा कमान कमान देखिएगा, ये ना इसी जगह पर है, ये वो इस कोने से इधर स्टोर रूम में, स्टोर रूम से बाहर, इधर नहीं है, बीच में नहीं है, पीछे नहीं है। सज्जाद मैंने ऑनर से पूछा कि आपने इससे पहले देखा, वो कह रहे मैंने कभी नहीं देखा, 5 साल चमगादड़ को, चमगादड़ को कभी नहीं देखा, आज फर्स्ट टाइम देखा। मैं रिहायशी एरिया में ये नहीं होती है, एक ही है और इधर ही आ जा रही है। आप लोग जाए दोनों, आप लोग दोनों उधर जाए, कामरान भाई लाइट है टॉर्च है, इसमें थर्मल में ही देखूंगा मैं तो, आपके पास है टॉर्च जला लो। मैं भी पता क्या कहने वाला था, ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई भारी चीज़ ना रगड़ी जा रही है। हाँ ओए 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 खुदा की पता नहीं, पता नहीं कहाँ से आई है, मैं अंदर था मेरे तो बाहर, कैसी आवाज़ आई है अंदर से, आ जाओ बाहर आ जाओ। बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है, और उससे पहले मुझे रगड़ने की आवाज आ रही थी, क्या हुआ है पता नहीं, कुछ लगा ठक करके आवाज आई, कुछ कुछ गिरा है क्या, आई है या वॉशरूम से आई है। अच्छा उससे पहले मुझे रगड़ने की आवाज आ रही थी, अरे तो यार जान रख दी आ गई। थर्मल से कुछ प्रॉब्लम है इस मखलूक को, क्या हुआ ये देखो, ये मैं अभी इसमें लगा रहा था कि ये पूरा निकल गया, टूटा ही, ऐसा लगा कि आपके सामने गिरा। क्या वो जो जिन्होंने 2:30 बजे उसको वहाँ देखा, सही वाहिद वही है जिन्होंने देखा जी, मतलब इसकी दीवार की हाइट भी काफ़ी है और ये इक्विपमेंट ने काम नहीं किया। हाँ उधर ही मेल फंक्शनिंग हुई है, आवाज़ें आई हैं, पानी इस्तेमाल हुआ है खुद ब खुद, और किसी और ने ना देखा, मतलब इतने श्योर थे वो कि कोई है कि वो ये औजार लेके जा रहे थे उसको मारने के लिए, ये वाला औजार, ये उसको जा रहे थे मारने के लिए कि कोई चोर डाकू है,
और वो कहते हैं उसकी आंखों के सामने गायब हुआ, दरवाजे से बाहर गए हैं, बाहर बंदे बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी को आते हुए जाते हुए गायब होते हुए इन्होंने देखा रात के 2:30 बजे उधर। अच्छा बात यह है, कहते हैं जी रमज़ान शरीफ में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, तो क्या तमाम जिन्नात शयातीन में से ही हैं? नहीं, बड़े जिन्नात तो वो जो एक शैतान की नस्ल है ना वो बंद की जाती है, वरना तो जिन इसको पिले हुए होते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि इंसानों को तो बंद नहीं किया जाता, इंसान में भी अच्छे बुरे होते हैं। वैसे आम दिनों में भी इंसान बड़े नेक काम भी करते हैं, और अल्लाह माफ़ करे रमज़ान शरीफ जैसे महीने में भी इंसान भूल जाते हैं। इसी तरह शयातीन कहते हैं बंद जकड़ दिया जाता है, वो जो इबलीस है ना सर, उसकी जो नस्ल है ना जिनके काम में जिम्मे लगी उनको जकड़ दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें शयातीन, लेकिन जिन्नात क्या एक ही है? शयातीन और जिन्नात ठीक है, शैतान भी एक जिन ही था है, लेकिन वो तमाम जिन्नात और इंसानों को तो नहीं जकड़ दिया जाता ना। इंसानों में जैसे अच्छे बुरे हैं वैसे जिन्नातों में भी अच्छे बुरे हैं, हमारे ख्याल से मफहूम है, हमारे ख्याल से। बात यार जो आवाज़ें सुनी है ना वो हमें पता है हमने क्या सुना है, मैंने जो सलाम किया है ना तो उसके बाद मुझे जो 3 बार आवाज़ आई है वो आप तीनों ने नहीं सुनी, वो मुझे पता है मैंने सुनी है। बस एक कोशिश है, देखें ये है EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, ये वो आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर लेता है जो इंसानी कान की समाज जो है ना नहीं सुन सकती, उससे 12 गुना ज़्यादा जो है ना इसकी समाज तेज़ है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो आवाज़ें भी सुन सकें जो एक आम इंसानी कान नहीं सुन सकता ना। अब जो हम सुन रहे हैं अल्लाह करे वो रिकॉर्ड हो इसमें, और होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे यार थकावट सी हो रही है, थकन सी हो रही है, अच्छा अब आप लोग ज़रा इधर जाएं हम लोग उधर जाते हैं। कुछ देर खामोश रहे थे यार, मैं उसको नहीं रिकॉर्ड कर सका, बल्ब को ना मैं अंदर जा रहा था ऊपर से कुछ चीज़ गिर गई अपने पैरों में लगी, कौन से वाले बल्ब को? वो ऊपर सुनो और वैसी घबराहट हुई ना कि बस बस ये लाल गिरी ने हाथ लगाया इसको, ये आवाज कैसी है? क्या है क्या हुई? ये इसकी जो गिरी थी ना पहले ये भी गिर गया पूरा ना, ये मैंने उठाया और ये हमें कहीं से नहीं मिली जमीन पे, ये पड़ा हुआ मिला मुझे, मैंने उठा के जेब में रखा, मैंने कहा अभी यही गिरी होगी क्योंकि ये भी साथ दिया लेकिन गिरी नहीं, और हम दोनों अचानक थक्कर गिरी है, पूरी लाल होकर गिरी है, ये देखो लाल हो गया रही है, ये क्यों लाल आ रही है? समझ में ये देखो, ये तो प्लास्टिक है, समझ में ये देखो इसका कलर देखो, ये रेड नहीं आनी चाहिए, ये इसका पीस है जी इनके रॉड का जो इस कलर में आ रहा है, और ये तब आता है जब ये हीट पे हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, इससे हीट निकल सकती है, प्लास्टिक है, ये गायब हो गई है अचानक ही, ये ऊपर से गिरी है, पत्ती कहाँ से आके गिरी है मेरी नहीं समझ में आया, गिरी नहीं गई, अभी कहाँ से आ गई अचानक ये कहाँ से गिरी? अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो आपको आवाज़ आई और आपको नहीं आई,
तो क्या गुजरती है। आप तो थे हमारे साथ जब हमारे भाई के साथ जो ऐसा ही हुआ, और ऐसा हम चारों के साथ हुआ यार। हम चारों ने अलग अलग ऐसी आवाज़ सुनी जो बाकी तीन ने नहीं सुनी। सही। ये समझ नहीं आई बात कि चारों को अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी गई, लेकिन वो एक एक के लिए थी, दूसरे के लिए नहीं थी। और हम हैरान हैं कि यार मुझे इतना यकीन है इस बात पे कि आई आई आवाज़ बाकियों को नहीं आई, और वो इतने हैरान हैं, कुछ के रोंगटे भी खड़े हुए। अच्छा, आपका जो ये वाला एरिया है ना जहाँ पर वॉशरूम है, इधर वाला, यहाँ पर ना हमारे कैमरे चीज़ें ना खुद ब खुद बंद होना शुरू हुई एक से दो बार, और ऐसी बंद हुई जो पहले कभी नहीं हुई। हमें कुछ महसूस भी हुआ, कुछ छत पर भी आया, पीपल का दरख्त भी उग रहा है यहाँ पर पड़ोस में, नीम के साथ पीपल भी। यहाँ पे पंखा था ना, ये चल रहा था, मैं 3 बजे सुबह सोता था दिन को, तो मेरा फ़ोन आ गया भाई का, मैंने बोला आज चाय माय पीते हैं, मैंने सही गाड़ी में ना, तो मैं इधर से उठ के चार पाई रखा हुआ था, इधर से उठ के मैं बाहर गया, पंखा चार पाई पे गिर गया। अल्लाह, यस, इनको खुद पता है, बताया मेरे, बोला अल्लाह दा तुम्हारे साथ क्या हुआ, अल्लाह ने बचाया, तुम निकल के गए। उनका होता है ना कि जाम होने की वजह से जो है ना वो होता है तो खुल जाता है, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में उसको चेक किया, चालू किया, दोबारा से ऑन है। सही है, अल्लाह करे, खुदा ना खास्ता कोई नीचे होता वो उसके ऊपर गिरता फिर। हाँ जी, सदका दिया इनका, दे दें अगर नहीं दिया तो भाई, सदका कोशिश करते रहते हैं अपना, इनका तो भाई का दे। मतलब आप कह रहे हो पंखा चल रहा था जी, जी, आप पे, आपको फोन आया सुबह का ड्यूटी जैसा मैं करके आया, सो गया था 3 बजे में, ऐसा मेरा फोन आ गया था भाई का, मैं जैसा उठ के गेट से बाहर गया पंखा गिर गया, तो भाई जी भाई ने देखा, बोला अल्लाह दा मैं तो निकल गया, बाद में आया तो पंखा मेरे चार पाई पे गिरा हुआ था। ये वाला? हाँ, ऊपर वाला। अभी ये पंखा बदली क्या ना, तो जब आप निकले थे तो पंखा चल रहा था? हाँ ना जी सर, ये खुद चल रहा था। ऐसे कभी सुना है चलता हुआ पंखा गिर गया हो नीचे? नहीं, ऐसे होता है, लेकिन वो पंखा डैमेज हो जाता है, डैमेज होता है, जाम हो जाता है, बैरिंग जाम हो जाता है, कोई रीजन होता है गिरने का, मतलब गिरने का कोई रीजन है ना, उसका नट टूटा है ना, उसका कोई दूसरा कोई मसला है, वो ऐसे ही आया, जैसे ऐसे ही उठा के उन लोगों ने ऊपर लगा दिया दोबारा से। मतलब जैसे किसी ने खोल के, जैसे हुक में होता है, जब तक वो बंदा उठाएगा ऊपर से फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, मतलब सब चीजें सालिम वैसे ही। और अब तो फिक्स भी हो जाते हैं, वो रबड़ का जो बीच में लगता है फिक्स हो जाता है, नट लगता है उसके अंदर, वो ऐसे ही था, नट वाला था जी। हां हां, हुक बना हुआ है ऐसे, हुक में फंसता है जी, हुक में ऐसे निकाल के ऐसे, जैसे किसी ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई जी सर, सुहेल भाई क्या बता रहे थे? यहाँ बहुत से, हम बचपन से इन गलियों से, हमारे वालिद साहब, हमारी वालिदा कहते थे ये रात के टाइम इन गलियों से नहीं जाया करो। कुछ वाकया इस स्कूल में भी हुए थे, ये सुना है मैंने, ये जगह में भी हुए थे बहुत सारे। मतलब आप यहाँ से गुजरते हो तो आपको महसूस होगा कि आपके जान जिस्म के जो खड़े हो जाते हैं, बाकायदा आपको बताते हैं कि हम हैं ही। और ज़्यादातर हम लोग रात को अक्सर कभी होटलों पर बैठते तो इस गली से आना गुरेज समझते हैं, वहाँ से घूम के आते थे बचपन से ही, आज से नहीं बचपन से ही, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है उम्र भी हो गया है थोड़ा सा। दरख्तों को देखा आपने जो थे पहले यहाँ पर? बिल्कुल थे, बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर खेलने आते थे, ये जगह पूरा खाली था, ये पूरा एक प्लाट था और ये कमरा बंद रहता था, ये जो कोने का बंद कमरा था ना, ये हमेशा मतलब कोई नहीं था, कमरा था ये, ये कमरा वैसे का वैसे ही है, ये एक कमरा जो है कोने वाला, ये कमरा, ये आज से नहीं, हम इतने से थे और अब माशाल्लाह से हमारी आप उम्र देख लो, ये वैसे का वैसे ही है। ओए ओए, बाकी बाद में बने हैं ये, तो मतलब ये अभी हुए हैं, लेकिन वो कमरा ये उधर हमारे पास, ये दीवार मेरे हिसाब से अभी मैं इतना था हमारे दीवार। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ नहीं देखते थे, रास्ता जो है ना सीधा करते थे, बहुत सारे मतलब। तो सुहेल भाई, किसी इतने अरसे में कोई साहिब-ए-इल्म, कोई आमिल साहब, आलिम साहब आए जिन्होंने ये चेक करने की कोशिश की?
के क्या ऑन है क्या हमने है? हमने कभी भी नहीं देखा यहाँ पर, ऐसा मुश्किल है क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ अपने काम से काम रखते थे। दरख्त काटने की वजूहत क्या थी? अब ये पता नहीं है, ये तो उनके बड़े मालिक थे, उन्होंने काट दिए, लेकिन उन्होंने पता नहीं कुछ किया भी है नहीं किया है, सदका वगैरह जो होता है इनका कि मतलब वो अपने रास्ते पे चले जाएं, सही उन्होंने किया भी होगा या नहीं किया भी होगा बंदा कह भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ बचपन से हमने देखे हैं। क्या देखा है? बहुत सारे चीज़, कभी कोई कुछ और चीज़ की आवाज़ है, आप जा रहे हो तो आप परेशान हो जाओगे, पीछे देखोगे कोई आपके कदमों के मतलब गली से आ रहे हो तो आपके पीछे आप देखो कोई भी नहीं है, आप जो भाग जाते हो, ये सब जो बता रहे हैं ना इस सब से अभी हम गुजरे हैं, आप भाग जाते हो और अभी हम जब इजाज़त ले रहे हैं तो ये आए हैं, लाइट्स देखकर रोश लाइट आई है तो आए हैं, और ये सब वो हमें बता रहे हैं जिससे अभी हम गुजरे हैं, और सुनना देखना बड़ा आसान होता है जब आप पर खुद पर गुजरती है ना तो लग पता जाता है। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है नवीद भाई पे क्या गुजरी होगी जब वो अकेले थे। तो मैं तो कहता हूँ कि ये आज से नहीं, पता नहीं कितने दिन से ये आते हैं यहाँ पर सोते। मैं कहता हूँ नवीद आ सुना, सुबह हम लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक से बोलते हैं यार बस आज आप लोग आए हो तो अल्लाह रात को अल्लाह खैर सलामती। अल्लाह का बच्चा था इधर बैठा हुआ था। अच्छा अचानक अचानक मैंने देखा ऐसा था गिर गया है। हाँ ये तो सब सामने। कौन? बदर। कैसे क्या हुआ? ऐसा खड़ा हुआ था अचानक ऐसा गिर गया। क्यों ऐसा था? वो के फिर बाप को फोन किया हम लोगों ने, फिर ये आया, फिर जीना पे अस्पताल ले गए, फिर उधर क्या हुआ था? कुछ नहीं था, चक्कर वक्कर आया था, क्या था, कमजोरी थी क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक चक्कर वो हाँ गिर गया था ना, काम करते हुए ना अचानक बात करते हुए वो बाइक अब्बू का बड़ा भाई का बेटा है ना वो भी साथ बात कर रहे थे, अचानक चक्कर आया गिर गया, फिर हम लोग जीना में अब्बू ले गए एमरजेंसी में ना, फिर जाके 3 बजे जाके होश आई थी। अच्छा बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बताया क्या हुआ? कुछ बताया नहीं थी वजह, कुछ नहीं बताई, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अच्छा जी, रिपोर्ट सारी क्लियर है। बहरहाल जी मैंने आपको कहा पड़ोसी भी सामने हैं माशाल्लाह, ठेकेदार हैं वो भी सामने हैं। ये तो बात है, आप इतने लोग हैं, इतने वाकयात हैं बचपन से लेके अब तक के, जितने आप करेंगे बात इस पर वो आते ही रहेंगे, लेकिन जो एक बात कंफर्म हुई वो उन दरख्तों के साथ ये कमरा भी मौजूद था जी। आप नोट कीजिएगा बात को कि बाकी चीज़ें बाद में रिकंस्ट्रक्ट होती गई, रेनोवेशन होती गई, लेकिन वो कमरा बहुत पुराना, ये जब छोटे थे तब से वो कमरा था, उन दरख्तों के साथ वो कमरा था और बंद ही था एक अरसे तक। फिर जब वो दरख्त कटने के बाद भी अब देख लें क्या हाल रहा आपका भी वहाँ पर, और नवेद भाई का भी, लाइट का भी, सब का भी, बाकी जो आवाज़ें हमने सुनी हैं अल्लाह करे रिकॉर्ड हो गई हो तो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, पूरी टीम की तरफ से यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार बहुत पसंद किया गया ये कारखाना समद भाई, अच्छा। बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई, लोगों ने महसूस किया, फील किया, और ऐसे कई वाक़यात थे जिसको लोगों ने ये कहा कि हाँ ऐसा हमारे साथ भी हुआ, सबसे ज़्यादा वो चीज़ें गायब होने वाला जी। बिल्कुल, फिर अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस होना, वॉशरूम में पानी का इस्तेमाल होना, डिस्पेंसर से पानी का इस्तेमाल होना, चीज़ों का नज़र आना, कई लोगों ने ना, हालांकि हम मैं आपको बताऊं जब शाम को हम पहुंचे ना कारखाने में तो ये समद भाई, शराज भाई, ये लोग हमें मुझे कह रहे हैं यार ये तो आबाद है, रोशनी है, तो सब काम हो रहा है यहाँ पर, क्या ये हमें गलत बुला लिया यहाँ पर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहम धोखा है कोई, क्योंकि हम तो आदत है ना वीरानों में बियाबानों में जाने की। लेकिन मैं जो एक बात समझा हूँ उस वो क्या है कि सफ़र में पहले मैं भी ये समझता था कि सिर्फ वीरानों और बियाबानों में होते हैं ये, लेकिन जब मैं ऐसी आबाद जगहों पर गया ना जहाँ गुंजान आबाद इलाकों के बीच में ऐसी जगह, फैमिली के दरमियान असर। मार्च 2018 से हम लोग यहाँ पे हैं, 5 साल से। जी जी ठीक। तो बाकी जो मेरे लेबर के बंदे हैं वो सब कुछ ना कुछ जो है ना मैं आपको बुलवा के मिला देता हूँ, तो वो जो है ना उनके साथ जो कुछ होता है वो बुलवाए। 5 बहन भाइयों को कुछ भी नहीं है, छठे को है, फैमिली में एक बंदे को काबू किया हुआ है, तो जैसे हम कहते हैं कि यार इनकी तादाद बे इंतहा है, आप यहाँ तक है कि अगर आप आसमान से पिन फेंकें तो किसी ना किसी जिन पर आके गिरेगी, इस कदर तादाद है इनकी, हमसे पहले से हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं अपने आप को जाहिर करना होता है,
कर देते हैं, नहीं करना होता, इधर भी है, हर जगह ही है। तो हुआ क्या, हम में से किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली में हुआ क्या है वहाँ पर, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से इतने मामले बढ़े। वो तो एंड में आके बात खुली कि जनाब दरख्तों को काटा गया, वो दरख्त पहले के अंदर ही था और आज नहीं, एक पुराने अरसे से दरख्त थे जिनको काटा गया, जिसके बाद से मसाइल बढ़े और इस कदर बढ़े कि अब आउट ऑफ कंट्रोल। फिर यार जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया, हैरान किया, वो उस थप्पड़ का था। मतलब ऐसा थप्पड़ जो आपका जबड़ा हिला दे यार, जबड़ा मुड़ जाए आपका। मोहम्मद नाम का, तो वो कहते हैं कि मैं रात को एसी चेक करने गया था या लाइट कोई चेक करने गया था, तो बोले मेरे को चमेट लगी और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसके बाद उसको किसी आमिल के पास ले गए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो सेट हो गया। ये यहीं पे जो मालिक है उसका भांजा है। आप फोर्स का अंदाज़ा लगा रहे हैं? सही। आप नोट कर रहे हैं इस बात को, महसूस किया आपने कि किस कदर वो पावर होगी उसमें? मतलब बड़े बड़े रेसलर्स, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिशन में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी सुना। और आपका वो नाम भी बताया उन्होंने, वो मोहम्मद बख्श या पता नहीं क्या नाम था उनका जिनके साथ ये हुआ, पड़ोसी जो थे उनके, मोहम्मद बख्श। फिर जी मज़ा इस बात का आया कि ऑनर मौजूद थे। ऑनर से मुराद वो जिनके पास कारखाने का भी ठेका था, और उनके मुताबिक जो बयान था मालिक का वो भी सामने था कि मालिक के साथ जब वो यहाँ पर बाड़ा चलाते थे भैंसों का, तब भी ये मामला थे। सही। और उन वो बेचारे कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को बीमार करने में या तकलीफ पहुंचने में इसी मखलूक का हाथ है। लेकिन यार मैं जो बात समझाऊँ ना, जो हमारे मेहरबान फरमाते, शुरुआत अपने आप से करनी होती है, अपनी गलती देखनी होती है हमेशा। वो हम नहीं देखते, हम अगले पे तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। मतलब यार आज के दौर में जहाँ हम दरख्तों को लगा रहे हैं, दुनिया में शजरकारी कर रहे हैं, वहाँ हम गैर ज़रूरी, मतलब मैं नहीं मानता कि यार कोई ऐसी बड़ी इनके पास वजह थी दरख्तों को काटने की पुराने। सही। वो करते क्या, छांव देते हैं आपको, मतलब ग्रीनरी, अच्छा ऑक्सीजन देते हैं आपको। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि जी रहना मुश्किल हो गया है, तो एक तरीका है ना, आप पहले कह दें कोई है तो हट जाए, हमारी मजबूरी है, और फिर एक दो दिन का मौका तो दें। यहीं सोचा और यहीं काट दो, बस काट दो। होता ही है ना कि अब जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है जी, सही है ना, तो अब जब आबादी बढ़ती जा रही है, दरख्त लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घर बनाने, तो अब ये होने लगा है कि जी वो काटना शुरू कर। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बहुत मजीद बढ़ती जा। अरे सर, ये हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मतलब दरख्तों में बसेरा है जिन्नात का, इनके बसेरे होते हैं। कमरान भाई ये बताइए, आपको कैसे महसूस हुआ कि यार ये जगह पहले एक ही थी, आपने कहा था वहाँ वो दरख्त पहले जी के अंदर ही था। चल भाई, जैसे मतलब हमारे पुराने जो समझो फैमिलीज वगैरह थी बलोचों में, ज्यादातर सब साथ ही रहते थे सजर से पहले, सही है ना। तो एक ही कंपाउंड के अंदर समझो खाला का भी घर, मौसी का भी, पुप्पो का भी, मतलब सबका एक ही समझो कंपाउंड के अंदर था। अभी जैसे अल्लाह ने आबादी वगैरह बढ़ गई तो फैमिली बड़ी हो गई, तो अभी अलग अलग होने लगे। अभी ये भी पार्टीशन हुआ है ना, इन जगह में घुसते ही मैं समझ गया ना कि समझो चाचा का अलग हो गया, उस बड़े भाई का अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अभी ये जो भाई है ना जिसकी जगह है, तो इसने समझो किराए पे दे दी। अच्छा, मतलब आपको यही सी एहसास हो गया कि यार ये पहले एक ही था जी, बाद में जो है ना ये हुआ है। जी, यानी तरका हो गया, जिसके अंदर बंटवारा हो गया, तो किसने किराए पे चढ़ाया, किसने अपने पास रखा। समझ में क्या लग रहा था शुरू में आपको कि नहीं यार ये जगह ऐसी ही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना हो सकता है। नहीं यार, जिस तरह से आपने हमें बताया था कि ये चीज हो सकती है, उम्मीद तो थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोग रहते हैं ना यहाँ पे, हम जो समझते हैं कि नहीं होता वहाँ पे, वहाँ पे भी ये चीज होती है आम घरों के अंदर। रूटीन यहाँ पे सबसे मेन चीज होती ना, वो रूटीन वाली थी, पता है कि जो हमारे पास, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कई दफ़ा लोगों के साथ हुआ होगा कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है वक्त पे, और जब वो वक्त निकल जाता है फिर मिल जाती है। सबसे हैरान कुन चीज़ क्या थी वहाँ पे? सबसे हैरान कुन बात बॉस वहाँ पे जो मुझे लगी ना, कि जो भी आवाज़ें थी ना, एक साथ किसी को नहीं सुनने को मिल रही थी, सबको अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी और वो दरख्त पहले जी
और वो दरख्त पहले जी इसी के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी कुरान की आवाज़ सुनी है भाई। आज मैंने खुद सुनी है वाकई, हकीकत खुद सुनी है कुरान की आवाज़। अल्लाह अल्लाह क्यों यासर भाई क्यों है? कुछ नहीं, खैर है आगे क्यों है? कोई नहीं कोई नहीं, शायद दो दफा सुनी है। बहुत वाजे बहुत करीब। अच्छा आई नहीं को है भी ऐसी थी बात काट रहा हूँ समझ भाई की कि सबकी डॉन भाई यकीन करें पूरे एक एक बोलो जिस्म में काम करने की कुव्वत ही नहीं। ये चीज तो थी कि यार वहाँ पे बीपी डाउन हो जाता है ना, जैसे बिल्कुल निढाल हो जाना, वो चीज थी एक तो। यार एक बात है, हमें दो तीन घंटे तो हो गए थे इन्वेस्टिगेशन में रात को, तो अगर कोई लेबर वॉशरूम में वो नलका खुला छोड़ गई, एक बात है, शाम को सब थे ना वहाँ पे, शाम को वो कोई लेबर गई होगी, उसने वॉशरूम का इस्तेमाल किया होगा, नलका खुला रह गया होगा, हम जब रात में पहुंचे दो तीन घंटों बाद, तो वो लोटे को भर नहीं जाना चाहिए था अगर उस वक्त से चल रहा होता तो। सबसे मेन चीज लोटे को भर जाना चाहिए था, दूसरी चीज टंकी को खाली हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि हम गए तो आधा लोटा भरा हुआ था, तो आधे से थोड़ा ज्यादा, और पानी मुस्तकिल गिरा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे दरमियान ही, मतलब हम तीनों चारों के अलावा उसी वक्त कोई गया अंदर और जिसने उसको इस्तेमाल किया, हालांकि वहां तो कोई था ही नहीं, ना कोई बंदा था, ना गेट खुला था, कोई भी नहीं, कोई आता जाता तो हमें पता नहीं चलता, रिकॉर्डिंग में ना आता बिल्कुल। और भाई उसी वॉशरूम के ऊपर ही लाल तावीज बांधा हुआ, धागा भी इनको मिला लाल, और उस वक्त पत्थर भी गिरा उसी के ऊपर। पीछे से भी आवाज आई, पीछे से भी आवाज आई। अब यार बात ये, जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। अब एक दो बार ऐसा हुआ कि हमारे टीम मेंबर में से किसी एक को आवाज आई, बाकियों को नहीं आई, तो उसको लग पता गया, जैसे इनको आई हमें नहीं आई, ये और डर गए। और वो दरख्त पहले जी के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी कुर्बानी की आवाज सुनी भाई। मुझे आई सलाम के बाद, आप लोगों को नहीं आई, मैं और घबरा गया कि यार ये क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सोचा ऐसे लगी जैसे कोई पीछे से ना दबोचने आ रहा है। सर बातों बातों में आप जरा देख लें हम हैं कहाँ पर, नजर आ रहा है ये आसपास? ऊपर चांद देख रहे हैं आप, और ये आसपास देख लें कि हम किस तरफ चले गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही कमरा है, ये वॉशरूम वाला कमरा है, यहीं पर जी लाइट्स बर्दाश्त नहीं होती थी, यहीं पर हमने कई आवाजें भी सुनी। इसी कमरे के पीछे पीपल के दरख्त को भी काटा गया, और जब हम रात को इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं यहाँ पर, तो रात को मूवमेंट के अंदर जो हमेशा हुआ हमारे साथ, लकीली मूवमेंट के अंदर कुछ फ्रेम्स में जहाँ लाइट जो है एक तरह से नाइट विजन का आपको समझने रिजल्ट दे रही है, वहां पर बाकायदा फेस बन रहा है, ये देखिए। और ये वॉशरूम ही है पीछे, अब हम इसको स्लो करके देख रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम, ये देखें, ये कुछ बना, चेहरे भी चेंज होते हैं, ये कुछ बना, फिर ये और वाजे, ये देखें। बकायदा जैसे कोई इंसान का चेहरा वाजे होता है, बनता है, उभरता है। ये चीज अंधेरे में मौजूद थी जी, लाइट थी ना एक स्क्रीन के अंदर, इसके ऊपर हजारों में से लाइट पड़ी है, लाइट में विजिबल होकर गायब हो गई। अच्छा ये चेहरा और पता नहीं क्या ऐसे हाथ किया हुआ है, क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पर हमने जितना भी वक्त गुजारा, किन करें, एक प्रेशर था हम सब के ऊपर, रॉन्ग पे आपके सामने खड़े हुए थे, लग ऐसा रहा था हमारे अलावा भी कोई है जिसको हम आसानी से फील कर सकते हैं वहाँ पर। पानी किसने खोला वॉशरूम का हमें नहीं पता, जैसे ही हम उसको बंद करने गए
ऊपर पत्थर गिरा वॉशरूम के, हमारे पीछे गिरा। और जब हम बाहर आए तो उस पानी की जो आवाज में ना इजाफा हो गया, जैसे उसका नल तेज हो गया। अस्तगफुरुल्लाह, पीछे से भी आवाज आई। हमने उसको बंद किया। आवाजें हम चारों ने, समद भाई का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने, शिराज भाई ने, कामरान भाई ने, हम तीनों ने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी आवाजें सुनी जो दूसरे ने नहीं सुनी, लेकिन कुछ आवाजें रिकॉर्ड भी हुई हैं। जैसे मैंने सलाम किया था, उसके जवाब में आवाज रिकॉर्ड हुई। अस्सलाम वालेकुम। शिराज भाई डरे थे, एक जगह पर वॉशरूम के बाहर गुराने की आवाज आई थी, वो आवाज रिकॉर्ड हुई। और वो दरख्त पहले के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी गुराने की आवाज सुनी भाई। यहाँ पर ऑनर्स का, काम करने वालों का, तमाम का बयान आपके सामने है। अब इसकी वजह क्या उन दरख्तों को काटना था, जिसके बाद वहाँ पर पड़ोसी को एक ऐसा थप्पड़ पड़ता है जिसका जबड़ा जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, या यहाँ पर जो पहले मालिकान बाड़ा चलाते थे भैंसों का, तब उनसे कोई गलती हुई, क्या यहाँ पर किसी ने इलाज की गर्ज से कोई ऐसा अमल कर दिया जो उल्टा नुकसान दे गया। जो मुझे महसूस होता है जब मैंने पीपल के दरख्त को देखा, नीम के दरख्त को देखा, जिसका जिक्र हमसे किसी ने नहीं किया था, तो ऐसा लगता है कि शायद इंसानों ने तो गलती कर दी उन दरख्तों को काट के, लेकिन अल्लाह पाक की शान कि उन्होंने उन्हीं दरख्तों में से दोबारा उन दरख्तों को निकाल दिया। मखलूक के मुतालिक कि जी वहाँ पर उनका रहना बसना आज से नहीं, एक अरसे से है, और गैर ज़रूरी काम पर वो सामने भी आ जाते हैं, आप पर हमला भी कर देते हैं, और वहाँ पर लोग, काम करने वाले लोग भी समझ गए हैं। तो बस एहतियात के साथ मेरे ख्याल से जो गलती हुई उसको अजाला करने की कोशिश की जाए, और अल्लाह की शान देखें कि दोबारा से वो दरख्त खुद ब खुद उग रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो नीम का हो चाहे वो पीपल का हो। तो ये तमाम रिकॉर्डिंग्स आपके सामने हैं, दोबारा देखिए, गौर कीजिए और ख़ुद समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। Mm-hmm.